प्रतापगढ़ के जेठवाड़ा थाना क्षेत्र के शमशेरगंज इलाके में हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने रामनवमी के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर रोक लगा दी, जिसके बाद यात्रा निकाल रहे लोगों ने जमकर हंगामा किया और मंदिर की छत पर चढ़कर जान देने की धमकी देने लगे। इस मौके पर पहुंचे एएसपी ने कहा कि ये लोग नई प्रथा शुरू कर रहे हैं, इसलिए इन्हें रोका गया। काली देवी का मंदिर है यहाँ गांव के पास में। यहाँ ये बात सूचना आई थी कि कुछ लोग कल यहाँ रामनवमी के दिन पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद एक जुलूस भी निकालने की सूचना थी, क्योंकि इस तरह का जुलूस गैर पारंपरिक था, अभी जुलूस निकला नहीं था, तो इसको प्रशासन पुलिस के द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी। उसी के एहतियातन में फोर्स पूरा लगाया गया था, उसके बावजूद भी कोई इस तरह का काम नहीं कर पाया जी। तो आज वही लोग थे, इकट्ठे हो गए थे। सर, इसकी परमिशन ली गई थी? परमिशन नहीं ली गई थी, परमिशन दी भी नहीं गई थी जी, और परमिशन होनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये गैर पारंपरिक है। वहीं हंगामा बढ़ता देख मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल ने लोगों को समझाया, तब जाकर हंगामा शांत हुआ। प्रतापगढ़ से ब्रजेश मिश्र, पंजाब केसरी टीवी।